एशिया के दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उज्बेकिस्तान से कजाकिस्तान पहुंच जाएंगे। इस दौरान दोनों देश 5000 टन यूरेनियम की खरीदारी के लिए भारत और कजाकिस्तान एक करार पर दस्तखत कर सकते हैं। व्यापम घोटाले की सीबीआई से जांच कराने पर बीजेपी के अंदर ही दो राय हो गई है। उमा भारती ने इशारों में सीबीआई जांच की। वहीं गृह मंत्री राजनाथ सिंह और शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि इस मामले में सीबीआई जांच की जरूरत नहीं है। व्यापम घोटाले में कथित तौर पर शामिल मध्य प्रदेश के राज्यपाल राम नरेश यादव को हटाए जाने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई करेगा। इस मामले में 9 जुलाई को सुनवाई होगी। ट्विनी एसआई अनामिका कुशवाहा की खुदकुशी पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि हर मौत को व्यापम से जोड़ना ठीक नहीं, इस मौत का व्यापम से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस ने एमपी के सीएम शिवराज सिंह का इस्तीफा मांगा है। कांग्रेस नेता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि शिवराज के नजदीकी व्यापम घोटाले में आरोपी है, कई करीबी मंत्री आरोपी भी इसमें शामिल है। बिहार विधानसभा परिषद के कुल 24 सीटों के लिए मतदान शुरू हो गया है। परिषद के चुनावों के लिए सभी तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई थी। मतदान शाम 4 बजे तक चलेगा। 534 मतदान केंद्रों पर 13,29,000 मतदाता 152 उम्मीदवारों के राजनीतिक भविष्य का फैसला करेंगे। विंध्याई मां पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने कहा है कि पिता की मंजूरी लेना जरूरी नहीं है, बच्चे के अभिभावक मां बन सकती है। यूपी कैबिनेट की अहम बैठक आज, दर्जन भर विभाग के प्रस्ताव पर लग सकती है मुहर। 14वें वित्त आयोग की संस्तुति को भी मिल सकती है मंजूरी। पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम आज कन्नौज के छोटे से गांव चंदुहार फकीरपुर में लगे सौर ऊर्जा के 250 केवीए के प्लांट का उद्घाटन करेंगे। उत्तराखंड में भारी बारिश के बाद बद्री केदार यात्रा पर लगा ब्रेक, दर्जनों सड़कें बंद। नैनीताल में घरों में घुसा मलबा और पानी। रमजान में 18वें रोजे तक बिजली कटौती को लेकर रोजेदारों में रोष बना हुआ है। बिजली कटौती के विरोध में रोजेदारों ने डीएम आवास पर जान माज बिछाकर नमाज अदा की और धरना शुरू कर दिया। गोंडा जिले के कोतवाली देहात थाना क्षेत्र अंतर्गत मलावत श्याजोत गांव में 2 बच्चों के टैंक में डूबने से मौत हो गई। दरअसल दोनों मासूम सेप्टिक टैंक के पास आपस में खेल रहे थे, तभी दोनों सेप्टिक टैंक में जा गिरे। भदोही कोतवाली के इंदुरा मिल के पास निर्माणाधीन ओवरब्रिज के किनारे सर्विस लेन न होने के कारण एक ओवरलोड ट्रक 2 दुकानों पर पलट गया। मुजफ्फरनगर में बदमाशों ने एक युवक की हत्या कर शव को एक बंद पड़ी पाइप फैक्ट्री में फेंक दिया। शव के कुछ ही दूरी पर बेगराजपुर पुलिस चौकी थी, लेकिन पुलिस को भनक तक न लगी। गाजियाबाद में शनिवार को ही दया रानी किन्नर की हत्या का खुलासा पुलिस ने कर दिया है। पुलिस ने 2 हत्यारों नदीम और वसीम को गिरफ्तार कर लिया है। गोरखपुर के सांसद योगी आदित्यनाथ द्वारा गोद लिया गया गांव जंगल और आही एक पूर्ण साक्षर गांव बन गया है। गांव के पूर्ण साक्षर होने के बाद सांसद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि विद्या अवनंता प्रदान करती है। सोनभद्र के चौपन ब्लॉक क्षेत्र के ओबरा में स्थित राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय में आदिवासी छात्रों को प्राप्त 25% अधिकार कॉलेज प्रबंधन ने खत्म कर दिया है। अधिकतर बहाली को लेकर छात्र आंदोलन पर उतर आए हैं। मऊ में लगातार बढ़ रहे अपराध, लूट समेत चोरी मामलों को लेकर पुलिस अधीक्षक ने शहर के प्रमुख चौराहों पर सीसीटीवी कैमरे लगवाए हैं।